जगह कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने अपमान का बदला कल के चुनाव में नहीं लेते हैं तो अपने आप को चाणक्य का वंशज कहलाना बंद कर दीजिए और आपको शिक्षक होने पर धिक्कार है। कल का मतदान अपने मान सम्मान, अपने अस्मिता, अपनी गरिमा, अपने आत्म सम्मान के लिए करना है। और अभी से जितना समय बचा है मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि रात भर सोइए मत, अब जितना समय है उतने ही समय में आप अपने रिश्तेदारों को फोन करिए, सगे संबंधियों को फोन करिए, आप अपने ससुराल में फोन कीजिए, अपने साला साली को फोन कीजिए, अपने मौसा मौसी को फोन कीजिए, फुआ फुफा को फोन कीजिए, जितना रिश्तेदारी है उसको फोन कीजिए, दोस्त मैं इनको फोन कीजिए। किस लिए? कहिए कि इस बार का मतदान केवल शिक्षकों के सम्मान के लिए कर दीजिए। बिहार में शिक्षकों के सम्मान को जिस तरीके जूतों से रोदा जा रहा है, आप इस अपमान का बदला लीजिए और लोगों से कहिए, अपने सगे संबंधी और अपने इष्ट मित्रों से कि यदि आप हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो केवल भोज खाने वाला रिश्तेदारी रखने का कोई मतलब नहीं होता। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे सकते दे अपना, फिर सुख में इन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप लोगों से आप अपील करिए, अपने रसोईया से अपील करिए। अगर रसोइयों को इतने वर्षों में न्याय नहीं मिला, 1500 रुपया पर काम करा रहे हैं रसोइयों से, 1500 रुपया में राजनीतिज्ञों का कुत्ता भी पलेगा क्या? तो इन रसोइयों को कहिए, रसोईया हमारे परिवार का सदस्य है, उनको भी कहिए कि अपने सगे संबंधों से बात करें। और सभी लोग जो लोग शिक्षकों के अपमान, शिक्षकों को के सम्मान को जूतों से रोकने का काम किए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। और बिहार के नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, शिक्षित बेरोजगारों नौजवानों, जब बिहार का बेटा नकारा है, बिहार का बेटा लाचार है, बिहार का बेटा वह नाकाबिल है और उत्तर प्रदेश के लोग इतने ही काबिल हैं, तो इन राजनीतिज्ञों को कह दीजिए कि वोट मांगने उत्तर प्रदेश चले जाए। या बिहार के नौजवानों के भी सम्मान की रक्षा, उसके रोजगार की लड़ाई है। जो फिजिकल टीचर, जो अभी फिजिकल शारीरिक शिक्षा निदेशक भाग हुए हैं, मात्र 8000 रुपया पर इन लोगों को काम करवाया जा रहा है। 8000 रुपया में ये अपने स्कूल से सैकड़ों किलोमीटर, अपने घर से सैकड़ों मीटर की दूरी पर जाए नौकरी कर रहे हैं, 8000 रुपया उनका परिवार कैसे पल रहा है? ये जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय और इस अत्याचार के खिलाफ आप लोग कल मतदान करिए। और इसके लिए अभी से लग जाइए, लगातार सभी लोगों को फोन करिए, हाथ जोड़िए, आग्रह कीजिए कि कल का मतदान केवल हमारे मान सम्मान के लिए करिए, बिहार के शिक्षकों के लिए। उन बच्चों तक क्या संदेश पहुंचाइए जिन बच्चों का 24 लाख बच्चों का नाम काटा गया और 24 लाख बच्चों को विद्यालय से बाहर कर दिया गया, ये तानाशाही के खिलाफ कल मतदान कीजिए। हम इसके लिए अपील कर रहे हैं लोगों से, उन बेटे और बेटियों से हम अपील करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिन लोग जो 8वीं पास किए हैं और यह कहा गया है कि आप अपने पंचायत के ही स्कूल में आप एडमिशन लीजिए, आपने तय कर दिया कि जो गरीब का बेटा है, गांव गरीब में पढ़ने वाला बेटा है, वह किसी जिला के किसी जिला स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है। आप गरीबों के बच्चों को इस तरीके से आपने वंचित करने का काम किया है। जो ये बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, जो समरसेबल घोटाला हुआ है, जो प्रीफाइल स्ट्रक्चर घोटाला हुआ है, जो बैंक घोटाला हुआ है, इन घोटालों का जवाब कल मतदान से करिए और सबक सिखाने का काम कीजिए। जो लोग प्रमोट कर रहे हैं अत्याचारियों को, उस अत्याचार के नाश के लिए, कल शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, बिहार के गांव गरीब के बच्चों के शिक्षा की रक्षा के लिए, स्कूलों की रक्षा के लिए, और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को जो नीचा दिखाया गया और बाहर से अभ्यर्थियों को ला करके यहाँ पर पेपर लीक कराया गया, 1000 करोड़ रुपया पेपर लीक करके वसूली किया गया, पेपर लीक कराने वालों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे तमाम लोगों को सबक सिखाने के लिए कल का मतदान करिए। हम हाथ जोड़ के यही आग्रह करते हैं। और इन लोगों को अगर सबक नहीं सिखाइएगा तो फिर ये ऐसे समझने वाले नहीं है, ये लोग केवल वोट की भाषा समझते हैं। बस मैं यही आग्रह करता हूँ आप तमाम साथियों को, यह मैसेज पहुंचा दीजिए कि रात भर सभी लोग अपने अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों, अपने छात्रों, अभिभावक को सब तक यह मैसेज पहुंचाया जाए। और कल का मतदान या सुबह में आप जाइए और यह याद करके जाइए कि जो अन्याय हुआ है बिहार के लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ, स्कूल में बच्चों के साथ, इसका अपमान का बदला लेना। आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम शिक्षकों को इस क्रांतिकारी संगीत के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जुल्म हुक्मरानों के द्वारा जो हम लोग के जितने भी हम लोग पर तानाशाही कार्रवाई की गई है, उसका समय आ गया है जवाब देने का। और अपने मान सम्मान के लिए हम तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथी हैं, शिक्षक बंधुओं से यही भी है कि हम अपना सोच समझ के अपना मान सम्मान करें। हम यही कहना चाहेंगे कि यह मतदान का महत्वपूर्ण समय है, हम शिक्षकों की मान सम्मान का समय है और हमारे देश शुरू से गुरु का एक स्वाभिमान कामयाब किया है और आज के वर्तमान समय में गुरु को जो सो विभिन्न तरह से पैरों तले रोंदा जा रहा है, तरह तरह की यातनाएं की जा रही है और
हम बिहार के जनता और इस देश की जनता को यही कहेंगे कि यह भेदभाव सिर्फ गुरु और मेरे तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया यहाँ पे कि ब्रजवासी जी ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सही ढंग से अपने बोर्ड का प्रयोग करें। जिस प्रकार से जो शिक्षा विभाग है बाहर के अभ्यर्थियों को लाकर जो है वो कह रहा है कि भाई हम बाहर के अभ्यर्थियों को ले आएंगे और उनकी नियुक्ति कराएंगे, योग्य ऐसे अभ्यर्थी नहीं है बिहार में, तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि ये एक मौका है, आप लोग भी बता दीजिए वोट देके कि भाई बिहार में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया, ऐसे में आप लोग अब बता दीजिए ये मौका है वोट देकर कि भाई सही क्या है, मतलब कि आप सही नेता को चुनिए, यही मैं आपसे कहूँगा। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, पल पल की सारी लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से हम पहुँचाएँगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।